जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कब से कब तक आपकी काउंसलिंग होगी, कितने राउंड में काउंसलिंग होगी, कितनी फीस लगेगी, कब आपका कॉलेज अटेंड होगा, कहाँ पर आपको अपनी काउंसलिंग का वेरीफिकेशन कराने जाना होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, हमारी जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग शुरू हो रही है, फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट अनलिमिटेड चॉइस में भी फील्ड। इसका मतलब ये है किसी भी रैंक के कोई भी कैंडिडेट, ठीक, इसमें रैंक के हिसाब से नहीं कि आप इतनी रैंक के लोग ही जो है फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सभी लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, और चॉइस फिलिंग कितनी करेंगे, अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग। आप कितने भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी जितने भी इच्छा हो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी ट्रेड आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। कब से शुरू होगा ये, 12 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई, यानी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी, वो होगी 12 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक, ठीक है। आपको इसमें एक भी दिन का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप समय के अंदर अंदर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट राउंड की सीट अलाटमेंट, जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जिस भी कॉलेज का करेंगे, वो आपको 15 जुलाई 2024 को अलाट हो जाएगा, ठीक है। 15 जुलाई उसके एक दिन बाद, जैसे ही आप काउंसलिंग कंप्लीट करेंगे, 15 जुलाई 2024 को अलाट हो जाएगा। कैसे किया जाएगा जो चालू होगा तो हम आपको करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपको सीट अलाटमेंट हो जाएगा, फिर आपको कंफर्मेशन करने के लिए फ़ीस जमा करनी होती है। वो कितनी फ़ीस जमा करनी होगी, अभी उसका जिक्र नीचे किया गया है, अभी हम बताएँगे आपको। ऑनलाइन फीस डिपॉजिट सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फ़ीस, यानी काउंसलिंग प्लस सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस आपको दोनों को मिला के जमा करनी है। वो कब करेंगे, 16 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई के बीच, ठीक। 16, 17, 18, 19, आपको 4 दिन का समय इसमें मिलेगा। इतने दिन के अंदर अंदर आपको उसकी काउंसलिंग की सीट अलाटमेंट की फ़ीस आपको जमा करनी है। जब आप फीस जमा कर देंगे तो फिर आपको एक लेटर मिलेगा, उस लेटर को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर, ठीक, इसका चुनाव करने के लिए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ये अलग अलग ज़िले में स्थित हैं, जहाँ पे आपको पूरे ज़िले में जितने भी आईटीआई हैं, सॉरी जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, सभी का एक सेंटर होगा। उसी सेंटर पे सभी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और किसको कराया जाएगा, ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट, जिनको जिनको सीट अलाट हुआ है वही लोग जो है उस डिस्ट्रिक्ट सेंटर हेल्प सेंटर पर जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, ठीक। फिर देर आप फर्स्ट राउंड ऑनलाइन बैलेंस फी डिपॉजिट फॉर गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट, यानी जब आप वेरिफिकेशन करा लेंगे, आपको ये सुनिश्चित कर देंगे कि हाँ हमको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो भी बैलेंस फीस बची हुई है, जो बची हुई फीस है उसको डिपॉजिट करना होगा गवर्नमेंट या फिर एडेड या फिर पीपीपी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स, ठीक, जो भी हैं जहां पे आपको अलाट होगा उसकी जो भी बची हुई फीस है वो आप कब करेंगे। अगर आपने मान लिया 16 जुलाई को ही करा लिया है, तो फिर आप 16 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक, ठीक, यहां पे दिखा रहा है कि 17 जुलाई को गजटेड हॉलीडे है, तो 17 को यहाँ पे छुट्टी रहेगी, ठीक, तो हमको 3 ही दिन मिलेगा समझ लीजिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराना है, 16 से 19 के बीच, 17 को छुट्टी रहेगी तो 16, 18, 19, 3 दिन का समय इसमें आपको मिलेगा। काउंसलिंग तो आप 4 दिन करा लेंगे, ऑनलाइन में कोई छुट्टी नहीं होती है, और इसमें आपकी इसमें भी 17 को छुट्टी रहेगी, तो 16, 18, 19, 20 इसमें आपको 4 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड बैलेंस फीस,
उसके बाद फिर है फर्स्ट राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉल। अब यहाँ पे जो भी एडमिशन हो जाएंगे या फिर जो कोई छोड़ेगा उसके बाद जो भी सीट बचेंगी वो पता चलेगा 21 जुलाई 2024 को। 21 जुलाई को हमें सीट पता चलेगा। फिर शुरुआत होगी सेकेंड राउंड की, फिर सेम यही प्रोसेस। तो दोस्तों सेकेंड राउंड का जो प्रोसेस है चॉइस फिलिंग का वो शुरू होगा 22 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक चलेगा। 22 जुलाई को शुरू होगा, 22, 23, 24 आपको 3 दिन का इसमें समय मिलेगा सेकेंड राउंड में, ठीक। उसके बाद फिर आपका सीट अलाटमेंट होगा 25 जुलाई को, और फिर ऑनलाइन फीस आप जुलाई जमा करेंगे 26 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बताया आपको सेम प्रोसेस इसमें भी है, 26 से लेकर 30 तक, 28 को छुट्टी है। सेकेंड राउंड की फ़ीस आप 26 से लेकर 31 तक जमा कर सकते हैं, और फिर आप बैलेंस फीस के है ये, ठीक है। इसके अलावा वो वाली फ़ीस सीट एक्सेप्टेंस फीस है जो 26 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक आपको दो फीस जमा करनी है, एक वो जो आप एक्सेप्ट करेंगे कि हमें यही कॉलेज लेना है, और दूसरा आप कॉलेज में वेरिफिकेशन करा लेंगे उसके बाद कन्फर्म करेंगे कि हाँ अब हम जो फीस बची हुई है उसको जमा करके हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड यहाँ से ख़त्म हो जाएगी 1 अगस्त 2024 को। फिर थर्ड राउंड चालू होगी, वो 2 अगस्त से शुरू होगी, 4 अगस्त तक इसकी काउंसलिंग होगी। सीट अलाटमेंट होगा 5 अगस्त को, ऑनलाइन फी डिपॉजिट होगा 6 से लेकर के 8 तक। फिर वे DB कराने जाएंगे, 6 से लेकर के 8 तक में DB कराने जाएंगे। इसके बाद फिर जो सीट बचेगी, ठीक, फिर अगर सीट बचती है, देखिए उसके बाद थर्ड राउंड कब ख़त्म हो जाएगी, 10 अगस्त 2024 को। यहाँ पे सीट विड्रॉल दिखाया जाए कितनी सीट अब खाली हैं। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे बचेंगी 10 अगस्त से 12 अगस्त के बीच, उनके बाद फिर उनकी काउंसलिंग होगी। अगर वो लोग काउंसलिंग नहीं कराते हैं या फिर बच जाते हैं और सीट ज़्यादा बचती हैं तो फिर उसकी काउंसलिंग हो जाएगी 12 अगस्त के बाद, ठीक। चूँकि यहाँ पे दिया गया है कि एक चौथी राउंड भी चलेगी, अभी उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। अगर आपका इसमें नहीं हो पाता तो आप चौथी राउंड में भी करा सकते हैं। उसके बाद देखिए क्लास कब से चालू हो जाएंगी, 21 अगस्त 2024 से, सॉरी हम जहाँ पे लिखते हैं वहीं पे आ जाते हैं। देखिए 21 अगस्त 2024 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। कमेंसमेंट ऑफ क्लास फॉर सेशन 2024-25 की जो क्लासें हैं वो 21 अगस्त 2024 से चालू हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा काउंसलिंग से संबंधित बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग में प्रतिभाग करने है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो जिसका यूज आपने रजिस्ट्रेशन करते समय एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय यूज किया था उसी का यूज करना होगा, ठीक है। उसका यूज करके अगर आप आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉरगेट भी कर सकते हैं, और अपना पासवर्ड आप रिसेट भी कर सकते हैं, आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर जाएगा। उसके बाद अपना जो है, और ये भी दे रहा है कि मुख्य काउंसलिंग प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थी अथवा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य के मूल निवासी हैं किंतु उन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में उत्तीर्ण की है, ठीक, वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है मुख्य काउंसलिंग प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण, एक चरण, उसके बाद विशेष काउंसलिंग चतुर्थ चरण से अंतिम चरण तक पूर्ण की जाएगी, ठीक। चतुर्थ चरण से उसके बाद भी आ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, अगर खाली रह जाएंगी सीटें तो आ सकती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पाठ्यक्रम का विकल्प चयन, अभिलेख सत्यापन, शुल्क जमा करना, काउंसलिंग चरणों के लिए अभ्यर्थन, आवंटित सीट निरस्तीकरण के नियमों, प्रत्येक चरण हेतु अवधि, काउंसलिंग प्रक्रिया में विड्रॉवल, संस्था में प्रवेश, छात्र छात्राओं की रिपोर्टिंग आदि का निर्धारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा, यानी सारा जो प्रोसेस है वो
संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे कितना फ़ीस आपको जमा करना है। काउंसलिंग की फ़ीस 250 रुपये है और 3000 रुपये है आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस। बार बार वही गलती कर रहे हैं। फिर काउंसलिंग शुल्क प्लस सीट एक्सेप्टेंस दोनों को मिलाकर आपको 3250 रुपये जमा करना होगा। ठीक, दोनों को मिलाकर आपको 3250 रुपये जमा करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा औपबद्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा, यानी प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा जब आप 3250 रुपये की फ़ीस जमा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप निजी क्षेत्र की संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को शिक्षण शुल्क के 50% के बराबर सीट एक्सेप्टेंस शुल्क एवं काउंसलिंग शुल्क 250 रुपये पोर्टल पर जमा करना होगा, जो आप कर चुके हैं। उसके बाद सहायता केंद्रों के माध्यम से आपको अभिलेख परीक्षण कराना है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कौन कौन से ज़िले में कहाँ कहाँ पर सहायता केंद्र है, और जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो उसे शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में संस्था द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार जमा करना होगा। उसके बाद वो लोग बताएंगे बैलेंस पेमेंट है आपको कहाँ पे जमा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो PPP लिखा था अभी इसके पहले आपने देखा है, उसका मतलब यहाँ पे है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की संस्थाओं में राजकीय सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों को राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं के अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा करने के उपर्युक्त नियम लागू होंगे, जबकि निजी क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थी पर निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों की भांति शुल्क जमा करना होगा। यानी जो भी ये लोग संस्थाएं हैं जितना ये फीस निर्धारित करेंगी उसके हिसाब से आपको जमा करना होगा। और जो भी काउंसलिंग कराने के बाद अगर वो देखिए लिखा रहा है अभ्यर्थी मुक्त एवं विशेष काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध कराई गई सीट की ऑनलाइन सुविधा के अंतर्गत सीट एक्सेप्टेंस फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। यानी अगर आपने काउंसलिंग करा लिया है, ये भी एक सुविधा दी जा रही है, और आपने फीस जमा कर दिया है कितना 3250, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, अगर अपना आप काउंसलिंग जो आपने कराया है उसको निरस्त करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे दिखा रहा है ऑनलाइन सुविधा के अंतर्गत सीट एक्सेप्टेंस फीस की वापसी का विकल्प चुन सकेंगे, यानी 3250 में 250 नहीं वापस आएगा लेकिन आपको 3000 रुपये वापस आ जाएगा अगर आप ये चुनते हैं तो, विड्रॉल वाला यहाँ पे जो दिया गया है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दी है परंतु उस चरण की निर्धारित तिथि अभिलेख सत्यापन नहीं कराए हैं का संस्था या पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। ये सीट अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जाएगा और सीट फीस जो एक्सेप्टेंस फीस है वो वापिस नहीं होगी। अगर आपने फीस जमा कर दिया और अकाउंट वेरिफिकेशन करा लिया है तो आपको फीस वापस नहीं होगी, लेकिन अगर आपने फीस जमा कर दिया है और वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आप अपनी फीस को वापस कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए फीस वापसी के लिए यहाँ दिया है आवंटित संस्था में प्रवेश लेने पर अवशेष शिक्षण शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के अंतिम चरण में प्रवेश को निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 2 दिन के अंदर सीट एक्सेप्टेंस फीस एवं शिक्षण शुल्क की वापसी हेतु ऑनलाइन सीट विड्रॉल के विकल्प का चयन काउंसलिंग शेड्यूल के निर्धारित तिथियों में कर सकेंगे। यानी कि अगर आप लास्ट में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। शुल्क की राशि वर्षा तथा उसे शिक्षण शुल्क की वापसी अभ्यर्थियों की प्रवेशित संस्था के माध्यम से अभ्यर्थी को प्राप्त होगी। अब यहाँ पे हम ज़्यादा आगे बात नहीं करेंगे, फिलहाल आपको एडमिशन कराना होगा तभी आप काउंसलिंग कराइएगा। ठीक, फर्जी इनके सबके चक्कर में मत पड़िएगा कि हमको फीस वापस कराना है। यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है फर्स्ट टू थर्ड राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉल, यानी 1 से लेकर के 3 चरण में जिन्होंने भी काउंसलिंग कराई हुई है, ठीक, वो लोग अपनी सीट विड्रॉल अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है और वो कब कर सकते हैं, 10 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच।
यहाँ पे दिया गया है ये, लेकिन अब आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, अगर आपको कराना होगा तो तुरंत कराइएगा, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, ठीक है। बाकी अगर नहीं अगर करना तो फिर तो कोई ऑप्शन आपके पास रहेगा नहीं, फिर तो आप लास्ट में जाके करा ही सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, बाकी 12 तारीख को मिलते हैं हम, जैसे ही काउंसलिंग चालू हो जाएगी। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, मुख्य चरण की काउंसलिंग के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी अपनी आवंटित संस्था में अंतिम तिथि 20 अगस्त तक अथवा इससे पूर्व अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे, यानी उनको जाना होगा 20 अगस्त के पहले पहले जो भी आपको संस्था आवंटित की गई है। तो आई होप यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, फिर भी अगर कुछ छूटता है या फिर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलेंगे 12 तारीख फिर से जब हम काउंसलिंग करेंगे।